आदाब नाजरीन, मैं हूं शाहिद। अडोबे इन डिज़ाइन के हाउ टू सीरीज़ में आज मैं आपको दिखाऊंगा कि आप अपनी नंबरिंग लिस्ट को किस तरह से और बेहतर कर सकते हैं। तो चलें शुरू करते हैं। यह इन डिज़ाइन खुला हुआ मेरे पास और अब आप देखेंगे यहाँ मैंने चार नंबरिंग लिस्ट बना रखी है और इसको स्टाइलिंग के ज़रिए मैंने ब्यूटिफाई किया है। तो ये सेम इफ़ेक्ट हम अपनी नंबरिंग लिस्ट में फ्रॉम द स्क्रैच करेंगे। तो मैंने एक और डॉक्यूमेंट खोल रखा है, इस वक्त एम्प्टी है और इसमें कुछ कलर्स मैंने बना रखे हैं पहले से। तो इसका रेफरेंस लेते हुए हम इसको बनाएंगे अपनी इस फाइल में। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं एक टेक्स्ट फ्रेम लूँगा और यहाँ पे मैं लिखूँगा दिस इज़ आइटम वन। तो सबसे पहला काम हमें ये करना है कि एक पैराग्राफ स्टाइल बनाना है हमें इसके लिए। तो मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा और यहाँ पे एक पैराग्राफ स्टाइल बनाते हैं। ऑल्ट प्रेस किया हुआ मैंने अपने कीबोर्ड पे और अब यहाँ इस प्लस पे क्लिक करूँगा मैं, तो पैराग्राफ स्टाइल की विंडो खुलेगी। मैं इसको एक स्टाइल दूँगा और इसका नाम मैंने दे दिया बॉडी वन। इसका प्रीव्यू ऑन कर देते हैं और अब हम इस पर काम करेंगे। हमें इस तरह का इफ़ेक्ट इस नंबरिंग लिस्ट में लेकर आना है। तो इसको फ़िलहाल हम अभी ज़रा सा छोटा करते हैं। मैं आऊँगा यहाँ पे बॉडी वन में, एडिट करूँगा इसे। प्रीव्यू मेरा ऑन है, अब मैं इसको चेंज करूँगा। मैं यहाँ पे अभी दूँगा टाइम्स न्यू रोमन एंड इसको करते हैं 14 और इसे मैं करूँगा 14 है तो इसको मैं करता हूँ 22। और इंडेंट एंड स्पेसिंग में अभी हम आएंगे। बुलेट्स एंड नंबरिंग में हमें जाना है, हमें लेना है या नंबर्स और इसको हमें करना है चेंज। और यहाँ पे हम कुछ भी नहीं देंगे। हाँ, आप एम स्पेस या एन स्पेस दे सकते हैं, तो ये मैंने कर रखा है यहाँ पे। और अब हम इसे करते हैं कहाँ पे है, इंडेंट एंड स्पेसिंग में आना है हमें। और अब यहाँ पे मैं दूंगा लेफ़्ट इंडेंट 1 2। ओके किया मैंने, अभी इसमें अप्लाई किया हुआ नहीं है, मैं इस पर क्लिक करूँगा और बॉडी वन अप्लाई करूँगा। तो अभी आप देखेंगे कि ये 2 mm का यहाँ से इंडेंट जो है हो गया है। एक काम और करना है मुझे, इसको इंग्लिश करना है, इसे करूँगा मैं इंग्लिश। ये इंग्लिश कर दिया मैंने, सॉरी। अब मैं आऊँगा यहाँ पे बॉर्डर में, पैराग्राफ बॉर्डर को ऑन करूँगा और आऊँगा शेडिंग में और शेडिंग को भी ऑन करूँगा। यहाँ पे हम देख लेते हैं कि हमने क्या कलर लिया है। यहाँ पे हमने ग्रीन कलर लिया है, उसमें मैजेंटा कलर है। तो यहाँ पे आएंगे हम दोबारा और पैराग्राफ बॉर्डर हमारा था ग्रीन, ये कलर आएगा ग्रीन, आई गेस ये वाला ग्रीन था। और शेडिंग में है ये नॉर्मल वाला ग्रीन, ये वहाँ भी यही वाला ग्रीन है। ओके करते हैं और ये वाला जो कलर है ये है मेरा दूसरा कलर है, मैजेंटा लेते हैं, ये वाला ले लेते हैं, कोई ज़रूरी नहीं कि हम वही कलर लें। एनीवे ये एक काम हो गया हमारा। अब हम यहाँ पे आएंगे पैराग्राफ बॉर्डर में और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये टच कर रहा है, तो मैं इसको अनलॉक करूँगा और ये इसको टॉप में 1 mm का ऑफसेट दूँगा। सिमिलरली मुझे यहाँ पर भी देना होगा, यहाँ पे एक मैंने ये ऑफसेट दे दिया। और यहाँ पे एक काम हमें और करना है, पैराग्राफ बॉर्डर में आना है और मर्ज कंसेक्यूटिव बॉर्डर को इसको अनटिक कर देना है और इसे मैं कर दूंगा ओके। तो अभी आप देखेंगे ये एक तरह का यहाँ पे एक स्टाइल आ गया है मेरी इस नंबरिंग लिस्ट में। अब मैं यहाँ पे करूँगा एंटर और अब मैं टाइप करूँगा दिस इज़ आइटम 2। इसी तरह से दिस इज़ आइटम 3। तो इसमें आप और भी बहुत कुछ कर सकते हैं, ये तो बेसिक एकदम लिस्ट है। जैसे कि आप यहाँ पे आएंगे और बॉर्डर में आए, यहाँ पे हम इसको किए हमने अनलॉक और यहाँ पे हमने कर दिया बेवल।
और यहाँ पे आप देखेंगे बेवल हो गया है, इसका हम ज़रा सा कम कर देते हैं, कॉर्नर रेडियस 3 mm कर दिया मैंने। और इसी तरह से हमें शेडिंग में भी करना पड़ेगा, और इसे हम करेंगे बेवल एंड यहाँ करेंगे 3 mm। तो आप देखेंगे ये एक न्यू तरह का मतलब स्टाइल हो जाएगा। तो ये थी एक तरह का स्टाइल। अब हम आते हैं, हम कोशिश करेंगे इसको दोबारा रेप्लिकेट करने की। तो मैं एक टेक्स्ट फ्रेम बनाऊंगा, अब यहाँ पे लिखूंगा दिस इज आइटम 1। अब इसको भी हम एक बॉडी स्टाइल देंगे, बॉडी 2 के नाम से मैंने एक स्टाइल दे दिया है, अप्लाई स्टाइल टू सिलेक्शन। और अब हमें इनफैक्ट इसे मैं डिलीट करता हूँ, इसे कॉपी करूँगा, पेस्ट करूँगा और इसको डिलीट करते हैं, इसी को डुप्लीकेट करूँगा मैं, डुप्लीकेट स्टाइल बॉडी 2। और बॉर्डर का जो ये मैंने कॉर्नर दिया था उसको हटा देता हूँ, और यहाँ से भी इसे हटा देता हूँ। अभी आप देखेंगे कि ये एग्जैक्ट कॉपी हो गया, सिवाय इसके ये यहाँ पे मैंने बेवल दे रखा है। अब इसको मैं जाऊँगा चेंज करूँगा, पैराग्राफ बॉर्डर में मैंने यहाँ से सेलेक्ट करना है ये वाला फिल, और जो शेडिंग है मुझे यहाँ से सेलेक्ट करना है लिस्ट फिल। तो ये अभी सॉरी ये वाला नहीं, मैंने नाम गलत दे दिया है यहाँ पे असल में। और यहाँ पे मैंने कलर क्या दे रखा है, ब्राउन, डार्क ब्राउन है। तो इसे एडिट करेंगे और कलर में आना है और यहाँ पे ये वाला कलर देना है। तो अभी आप देखेंगे कि इसमें और इसमें ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। मैंने सिर्फ क्या किया है, जो ग्रेडियंट का कलर मैंने यहाँ बनाया, दो फिल बना रखा है मैंने, ग्रेडियंट फिल। वो कैसे बनाया है मैंने, आप स्वाचेस पैनल खोलेंगे, यहाँ से स्लाइड मेनू में क्लिक करेंगे, न्यू ग्रेडियंट स्वॉच पे क्लिक करेंगे तो ये एक स्वॉच खुल जाएगा। यहाँ पे आप कोई भी नाम दे दें, माय ग्रेडियंट, और इसे कर देना है आपको, बल्कि इसका कलर भी चेंज करते हैं। इस पर क्लिक किया मैंने, यहाँ से कोई एक कलर ले लें, मैं अभी ये वाला कलर दे देता हूँ। देखेंगे यहाँ पे ये कलर अप्लाई हो गया। अब यहाँ पे क्लिक करूँगा मैं, और यहाँ से भी मैं ये वाला कलर ले लेता हूँ। तो आप देखेंगे ये मैंने ऐड किया, तो अब देखेंगे माय ग्रेडियंट के नाम से एक फिल बन जाएगा। तो ये दोनों फिल मैंने इसी तरह से बनाया है। तो हमने यहाँ पे क्या किया है, एक फिल को हमने बॉर्डर पे डाल दिया है और एक फिल को हमने शेडिंग में डाल दिया है, और टेक्स्ट का कलर जो है हमने डार्क ब्राउन ले लिया, बस इन दोनों में यही डिफरेंस है। तो इसको मैं अब करता हूँ छोटा। तो ये दो तरह का स्टाइल बना दिया हमने। अब हम आते हैं इसमें, इसको अब हमें बनाना है, देखते हैं ये किस तरह से बनेगा। मैं आऊँगा इधर, तो मैंने एक टेक्स्ट फ्रेम लेना है, दिस इज आइटम 1। अभी सिर्फ एक आइटम हमने लिखा है यहाँ पे, और यहाँ पे आना है हमें और इसका एक स्टाइल बनाना है। मैं दूंगा बॉडी 3, और यहाँ पे इसे करेंगे 14 एंड इसे करेंगे 22, इसे करेंगे टाइम्स न्यू रोमन। अभी यहीं तक करते हैं और इसे करेंगे ओके। हम तो यहाँ पे हमें वापस 0 पॉइंट लेकर आना है यहाँ पे, और यहाँ पे एक गाइडलाइन बनाना है। अभी आप देखेंगे कि गाइडलाइन यहाँ बिल्कुल इसके ऊपर आ गई है। अब मैं आऊँगा वापस बॉडी 3 में, इसे एडिट करूँगा, और सबसे पहला काम हम ये करेंगे कि बॉर्डर एनेबल करेंगे, और बॉर्डर का कलर हम अभी रेड दे देते हैं जो हमने पहले लिया था, इसे किया हमने ओके। अभी आप देखेंगे ये जो लाइन है गाइडलाइन, आधा बॉर्डर इधर है और आधा बॉर्डर उधर है। तो हमें करना है ये कि इस लाइन को सेलेक्ट करना है, गाइडलाइन को। ये काम आप अंदाज से भी कर सकते हैं, मैं इसलिए आपको ये स्टेप बता रहा हूँ ताकि आसानी हो और परफेक्शन आए ज़रा। तो मैं इसे करूँगा 0.176 mm, इसे मैं नीचे लेकर आया हूँ 0.16 mm। 0.16 mm इसलिए लेकर आया हूँ मैं क्योंकि 1/2 point is equal to 0.176 mm। अब हमें करना है ये
एक इसे एनलार्ज करना है मैक्सिमम, और एक यहाँ भी बनाना है हमें एक इसी तरह का गाइडलाइन। तो ये हमने यहाँ बना दिया एक गाइडलाइन, ये दो गाइडलाइन हमने बना लिया है, हमें अब एक गाइडलाइन और बनाना होगा। तो मैं इस पर अभी क्लिक करूँगा इस टेक्स्ट फ्रेम पे और अपने कीबोर्ड पे प्रेस करूँगा कंट्रोल ऑल्ट और सी। तो आप देखेंगे ये जो टेक्स्ट फ्रेम है मेरा ये सिमट जाएगा और यहाँ आके लग जाएगा। मैं इसे एनलार्ज करूँगा और यहाँ पे एक गाइडलाइन और बना दूँगा। तो ये तीन गाइडलाइन हमने बना दी, हमें इस तीन गाइडलाइन की ज़रूरत थी। अब इसे हम वापस बड़ा कर सकते हैं टेक्स्ट फ्रेम को। अब मैं लूँगा यहाँ से ये बॉक्स, यहाँ से यहाँ लेना, ये एक्चुअली ये आना चाहिए 0 पॉइंट, फिर मुझे अभी कुछ नहीं चाहिए, ये मुझे यहाँ से टच कर देना है जो हमने ऊपर और नीचे बनाया था। ये एक बनाना है बॉक्स और एक बॉक्स और बनाना है, इसको डुप्लीकेट कर कर लाऊंगा मैं और यहाँ बना दूंगा एक बॉक्स। बस इसी के लिए ये सारी मेहनत थी, ये हमने कर लिया। अब हम इसको लेंगे, इसका हाइट कितनी है, 4.134 mm, इसे कॉपी किया हमने। और अब हम आएंगे बॉडी थ्री में, बॉडी थ्री में आएंगे और इसमें पहले हम नंबरिंग दे दें, लिस्ट टाइप होगा नंबर्स, और यहाँ आके हम करेंगे इसे इंग्लिश, और बुलेट्स नंबरिंग में इसे हमें ये देना है इस तरह से, और मुझे ये डॉट भी नहीं चाहिए, और इंडेंट एंड स्पेसिंग में 1-2 mm का हमने यहाँ पे स्पेस दे दिया। ये जो हमने यहाँ पे लिया है इसका हाइट 4.134 mm, हम जाएंगे यहाँ पैराग्राफ रूल्स में, रूल अबव को करेंगे ऑन, इसका कलर हम अभी लेंगे ये वाला, और कॉलम को नहीं, अभी हम टेक्स्ट करेंगे, हमें करना कॉलम ही है बट अभी हम सिर्फ टेक्स्ट ही करेंगे ताकि हम इसका प्रॉपरली देख सकें एज ठीक है कि नहीं। और वो जो हमने यहाँ से वैल्यू कॉपी किया था ये इस बॉक्स का वैल्यू, वो हम यहाँ पेस्ट कर देंगे 4.134 mm, और आप देखेंगे कि ये जो है इसको इसने पॉइंट में कन्वर्ट कर लिया है और एक ये बन गया है इसमें, ये रूल आ गया है और येलो कलर का रूल आया है। और अब हमें करना है ये कि ये तो आया है बट ये ऊपर चला गया, हमें इसे करना है शिफ्ट। तो शिफ्ट के लिए ये वाला वैल्यू लेंगे हम, ये जो छोटा बॉक्स हमने बनाया था इसको हम करेंगे कॉपी, इसमें जाएंगे दोबारा से और यहाँ पे आएंगे हम पैराग्राफ रूल्स में और ऑफसेट में आना है हमें, इसको पेस्ट करेंगे हम और यहाँ पे आगे एक माइनस दे देंगे, और अब इसे हम करेंगे टैब मारा हमने, और इसे हम वापस अब ज़रा सा इसे ओके करके देखेंगे यहाँ पे। तो आप देखेंगे कि यहाँ से यहाँ बिल्कुल परफेक्ट आया है, इसलिए मैंने यहाँ पे टेक्स्ट लिया था कॉलम नहीं, ताकि हमें ये समझ में आ जाए कि ये परफेक्ट आया है कि नहीं। मैं जाऊँगा वापस, और पहले यहाँ क्या कलर दिया था हमने, यहाँ पे ब्लू कलर था और ये मैजेंटा था। तो बॉडी थ्री में जाऊँगा मैं और बॉर्डर शेडिंग में आना है मुझे, शेडिंग को ऑन करूँगा मैं, शेडिंग को करूँगा मैं ब्लू था। टेक्स्ट पैराग्राफ रूल्स में ये बॉर्डर जो है मेरा था इस मैजेंटा, और बुलेट्स एंड नंबरिंग में आना है, कैरेक्टर स्टाइल देना है वाइट, और पैराग्राफ रूल में काम और था, ये कर दूँगा मैं वापस इसे कॉलम, वापस कॉलम कर दिया हमने। तो अभी आप देखेंगे कुछ इस तरह का नज़र आएगा आपको ये। तो अब इसमें फिर से एक कैलकुलेशन मैं आपको बता रहा हूँ, इसे सेलेक्ट करेंगे आप, इसका विड्थ है 39.05, इसे मैं राउंड कर देता हूँ, 40 कर देता हूँ मैं, ये 0 पॉइंट मेरा यहाँ से शुरू हो रहा है, अप्रॉक्सीमेटली यहाँ तक का मुझे इसमें बॉर्डर देना है। तो 1 जो है मेरा सेंटर में नज़र आएगा, ये वाला 1, तो ये 40 mm का मेरा सिस्टम हैंग हो गया था तो इन डिज़ाइन ऑटोमेटिकली बंद हो गया। एनीवे हम दोबारा से करते हैं इसको, तो इसे हमने ज़रा सा बड़ा किया, इसे 40 mm किया हमने, और अभी आप देखेंगे कि ये 0 यहाँ से शुरू हो रहा है, स्केल जो है
अप्रॉक्सीमेटली एक वैल्यू ऐसा लेते हैं यहाँ पे कि वन मेरा जो है सेंटर अलाइनमेंट में रहे, तो ये 40 mm का हमने यहाँ पे ये गाइडलाइन लिया है, और ये है हमारा, सॉरी ये 40 mm है और गाइडलाइन हमारी है 6.2 mm में, तो मैं इसे 6.5 राउंड फिगर कर देता हूँ, आई गेस ठीक रहेगा ये। तो अब हम आते हैं वापस स्टाइल में, ये याद रखना है कि ये 40 mm है और ये है 6.5 mm। तो बॉडी में आते हैं यहाँ, और यहाँ पाएंगे पैराग्राफ रूल्स में। अब राइट इंडेंट हमें करना है कितना, 40 mm मेरा टेक्स्ट फ्रेम का साइज़ है, माइनस 6.5 mm हमें यहाँ पे चाहिए, और इसे हम करेंगे टैब। तो प्रीव्यू ऑफ है इसलिए नज़र नहीं आया, तो अभी आप देखेंगे कि एग्जैक्ट इस पॉइंट पे जो है मेरा ये ब्लॉक आ गया है। अब हम इसको करेंगे ये कि आप देखेंगे यहाँ पे ऊपर जो है टच कर रहा है, तो अब हम जाते हैं पैराग्राफ बॉर्डर में, इसे करेंगे अनलॉक और यहाँ कर देंगे 1 mm ऊपर। सिमिलरली हम इसे भी करेंगे 1 mm ऊपर, और ये जो हमने बनाया है क्या नाम है ये पैराग्राफ रूल, 1 mm हमने ऊपर किया, तो यहाँ पे प्लस 1 mm लिख देंगे, तो ऑटोमेटिकली वो जो है एमएम में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये आप देखेंगे कि किस तरह से हमने ये एक बना लिया है स्टाइल बुलेट्स एंड आई मीन नंबरिंग का। इस पे मैं क्लिक करूँगा, सॉरी इस पे नहीं, इस पे, और ये हटा दूँगा मर्ज कंसेक्यूटिव बॉर्डर, और इसे करूँ दूँगा मैं ओके। अब इसे हम यहाँ पे ज़रा सा बड़ा करके इसको डिलीट कर देता हूँ मैं, सॉरी। ये चीज़ मैं बताना भूल गया आपको कि इसको अगर आप बड़ा करेंगे तो ये भी आपको फिर उस हिसाब से कैलकुलेट करके दोबारा इस पोजीशन में लाना होगा, तो इसको मैं कंट्रोल जेड कर देता हूँ अभी, मुझे यही रखना है अभी। तो मैंने एंटर किया, यहाँ लिखूँगा मैं दिस इज़ आइटम 2, दिस इज़ आइटम 3। तो अभी आप देखेंगे कि यहाँ पे फिट नहीं हुआ, तो ये नेक्स्ट लाइन में आ गया, तो इसके लिए हमें ये इंक्रीज़ करना पड़ेगा ज़रा सा और अब देखेंगे ये भी इंक्रीज़ हो गया, तो कैलकुलेशन वही रखना है हमें। जैसे मैं करता हूँ 45, 45 माइनस क्या है ये 6.5, ये वाली जो गाइडलाइन आप देख रहे हैं इसको माइनस कर देना, तो मैं बॉडी 3 में जाऊंगा और पैराग्राफ रूल में जाना है, इसको चेंज करना होगा मैं 45 माइनस 6.5 mm, और टैप करूंगा मैं, तो आप देखेंगे कि ये वापस वहीं आके लग जाएगा। तो ये एक और डिज़ाइन हमने बना लिया। अभी आप देखेंगे 3 डिज़ाइन हमने बना लिए हैं यहाँ पे। अब एक और डिज़ाइन है ये वाला, तो वो भी मैं बताता हूँ किस तरह से बनाना है। यहाँ आएंगे हम वापस इस फाइल में, इसको मैं करूँगा कॉपी और यहाँ करूँगा पेस्ट, और इसको मैं करूँगा डुप्लीकेट स्टाइल, इसे करते हैं बॉडी 4, बॉडी 4, और इसे मैं करता हूँ बॉडी 4। अभी दोनों सेम हैं इसलिए कोई फ़र्क आपको नज़र नहीं आएगा, मैं इसे ज़रा सा एनलार्ज करता हूँ। और अब हम करेंगे यहाँ पे एक बार, ये ऑरेंज है और ये ब्लू है, एडिट और शेडिंग में आते हैं। शेडिंग में ये वाला कलर है और रूल्स में ये वाला कलर है। अभी आप देखेंगे कलर स्कीम, सॉरी एक चीज़ और मैं आपको बताना भूल गया, इस डिज़ाइन में एक्चुअली ये कलर इतना सेम है इसलिए पता नहीं लग रहा था। मैं ये बॉडी 3 को दोबारा मॉडिफाई करता हूँ, और यहाँ पे इसका बॉर्डर का कलर मैं रेड नहीं, कोई दूसरा लेता हूँ, ग्रीन लेता हूँ, ताकि मैं समझा सकूँ आपको यहाँ पे क्या प्रॉब्लम है। यहाँ पे अभी आप देखेंगे कि ये जो पैनल है ये वाला मैजेंटा कलर का, ये हाफ इस बॉर्डर में ओवरलैप कर गया है, तो हमें यहाँ पे एक मॉडिफिकेशन करना होगा, वो ये कि रूल में जाना है और लेफ्ट इंडेंट 0.176 mm दूंगा मैं। तो अभी आप देखेंगे ये वापस 1.6 mm आ जाएगा, 1.176 mm मतलब हाफ पॉइंट, तो ये अब परफेक्ट हुआ ये।
हमें यहाँ पे अब करना है ये लाना है हमें ऑप्शन, आई मीन ये प्रोसेस करना है हमें यहाँ। तो लगभग सारी चीज़ें ऑलमोस्ट सेम है सिवाय इसके ये जो राउंड है, ये राउंड कैसे किया जाएगा। तो मैं जाता हूँ बॉडी फोर में और पैराग्राफ रूल्स में 0.176 mm किया मैंने और यहाँ से इसे रिलीज़ किया और आते हैं अब यहाँ पे बॉर्डर में। इसे करूँगा मैं अनलॉक, इसे करूँगा मैं राउंडेड, इसे करूँगा मैं राउंडेड। पैराग्राफ रूल का भी हम ऑफ करते हैं, पहले यहाँ इसको बॉर्डर सेट कर लें। आई गेस ठीक है, 5 mm ठीक है। शेडिंग में आएंगे और यहाँ भी इसे करेंगे अनलॉक, राउंडेड, राउंडेड, 5 mm कर देते हैं, ये अब राउंड हो गया। अब आते हैं वापस पैराग्राफ रूल में, इसे ऑन करते हैं। अभी आप देखेंगे कि ये राउंडेड नहीं है, इसे हमें राउंडेड करना है। तो हम आएंगे यहाँ पे टाइप में, इस पे जाएंगे और जैपनीज डॉट सेलेक्ट करेंगे। तो अभी आप देखेंगे कि ये कुछ इस तरह का नज़र आ रहा है। तो यहाँ पे हमें ज़रा सा काम ये करना होगा कि इसे इंक्रीज करना होगा राइट इंडेंट को। यहाँ ज़रा सा मेहनत करनी पड़ेगी आपको। 39 में विजिबल है और 40 में बिल्कुल चला जा रहा है, तो मैं इसे 39 करूँगा। 0.5 करते हैं, ठीक है, 0.5 भी है। 0.6 में देखते हैं, 0.6 में भी दिख रहा है, 7 में गायब हो जा रहा है। 0.65 रखते हैं, तो 0.65 जो है ये सही पोजीशन है इसकी, इसको 0.65 रहने देना है। और इस 1 को यहाँ से अंदर ले लेंगे, 1.5 mm का यहाँ पे हम लेफ्ट इंडेंट दे देंगे। अब मैं इसे करता हूँ ओके। तो अभी आप देखेंगे कि ये ठीक उस तरह से आ गया जिस तरह से यहाँ पे हमने बनाया था। और इसका साइज़ आप जो है कैरेक्टर स्टाइल से इसे आप कंट्रोल कर सकते हैं, इधर भी, इधर भी, इधर भी और इधर भी। तो जनाब ये था नंबरिंग लिस्ट को ब्यूटीफाई करने का मेथड। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो आज के वीडियो में बस इतना ही है, आपसे जल्दी मिलता हूँ अगली वीडियो में किसी दूसरी टॉपिक के साथ।